Hello and greetings from me. I am Dr. Meenu Bajpe and I work as a professor at the Department of Transfusion Medicine at the Institute of Liver and Biliary Sciences, New Delhi. पहले तो मैम समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. उसके अलावा मैम हम आपसे बहुत ही एक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आए हैं. बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में जो है वो काफी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पे है मगर लोगों को इतना नहीं पता है उसके बारे में. और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप अपनी नॉलेज जो है क्योंकि आप बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में काफी कुछ जानते हैं तो थोड़ी सी शेयर कीजिए. बॉम्बे ब्लड ग्रुप है ना, जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, बॉम्बे है तो हमारे इंडिया का. ये 1952 में YM भेंडे ने डिस्कवर किया था एक इंडियन पेशेंट में, तो इसलिए इसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप पड़ा. ठीक है. और ये एक बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है जिसकी जो प्रेवलेंस है ना, मतलब इट इज़ लेस देन 1 in 10,000 हमारी कंट्री में, और वेस्टर्न वर्ल्ड में तो 1 in 1,000,000 है इसकी प्रेवलेंस. सो इट इज़ वेरी वेरी रेयर. एंड देर इज़ वन, मतलब एक इशू है इसके बारे में जो कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, कि ये ना इस जो पर्सन जिसको जिसका ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है वो परफेक्टली हेल्दी होता है, उसको कोई इशू नहीं होता है. लेकिन जो हमारे नॉन ब्लड ग्रुप्स हैं, जो आप कॉमनली जैसे चर्चा में जानते हैं कि ए ओ ए बी बी, ये जो कॉमन ब्लड ग्रुप्स हैं, इसमें से कोई भी ब्लड ग्रुप का ब्लड इंक्लूडिंग ओ का ब्लड ग्रुप, जिसको कि हम जनरली यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, उसमें कहते हैं कि ये वाली आरबीसी हम किसी को भी ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, कोई भी ब्लड नहीं दे सकते उनको. उनको किसी के भी ब्लड से रिएक्शन होगा और काफी सीवियर रिएक्शन होगा. मतलब कि बॉम्बे को सिर्फ बॉम्बे का ही ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है. हाँ, बॉम्बे को सिर्फ एक ही पर्सन, मतलब सिर्फ बॉम्बे का ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है, ओ ग्रुप का भी नहीं दिया जा सकता जो कि यूनिवर्सल डोनर माना जाता है. हाँ, टेक्निकली समझाने के लिए मैं एक लेमन टर्म्स में आपको समझाना चाहूंगी कि जो हमारा बेस सबस्ट्रेट होता है ब्लड ग्रुप बनने के लिए, ए बी ए बी और ओ ब्लड ग्रुप बनने के लिए, वो एक एच सब्सटेंस होता है जो कि एक फ्यूकोज मोइटी होता है. इसकी प्रेजेंस के बिना ए बी और ओ इनका एक्सप्रेशन नहीं हो सकता है. और यही मोइटी अगर एब्सेंट हो जाए तो उसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं. बाकी सारे ब्लड ग्रुप्स बिल्डअप होते हैं एच सब्सटेंस पे, और एच सब्सटेंस ही गायब हो जाए तो वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहलाता है. ठीक है. इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट मैं सब बताना चाहूंगी कि इनहेरिटेंस जब हम देखते हैं ना, तो पुराने, आजकल तो डीएनए टाइपिंग आ गई है तो बहुत अच्छे से हम लोग फॉरेंसिक केसेस करते हैं. पुराने जमाने में पैटर्निटी के लिए ब्लड ग्रुप देखा जा सकता था. तो अगर किसी में एच डिफिशियंट है कोई पर्सन और जेनेटिकली उसमें ए या बी की जीन प्रेजेंट भी है, तो अभी वो एक्सप्रेस नहीं करती ब्लड में, तो वो ओ ग्रुप की तरह प्रेजेंट करेगा और वो एक्चुअली बॉम्बे ब्लड ग्रुप होगा. तो इसलिए इनहेरिटेंस का ये एक एक्सेप्शन है कि अगर पर्सन बॉम्बे है तो उसमें अगर जीन्स होंगी भी ए या बी ब्लड ग्रुप की तो एक्सप्रेस नहीं करेंगे और पैटर्निटी टेस्टिंग विल बी रॉन्ग इन दिस केस. आपके मैम पूरे अभी करियर में आपने कितने ऐसे केसेस देखे हैं जहां पे सडनली आपको पता चल गया हो कि ये पर्सन जो है वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप? अभी तक मैं सन 2000 से ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में हूँ, अभी तक मैंने डायरेक्टली एक ही केस डिस्कवर किया है. और कितनी जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी को ब्लड चाहिए हो बॉम्बे ब्लड ग्रुप, तो अब क्या है कि आजकल ना सोशल मीडिया का जमाना है, तो होता क्या है कि कनेक्टिविटी अच्छी है, तो अगर कभी कहीं किसी इंडिया के किसी भी कॉर्नर में किसी को बॉम्बे ब्लड ग्रुप चाहिए हो और हम अपने कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी फर्टर्निटी में डाल दें, तो नॉर्मली विद इन 24 आवर्स मिल जाता है. क्योंकि क्या है, जैसे अगर मेरे पास एक डोनर आया और मैंने डिटेक्ट कर लिया कि वो बॉम्बे है, तो मैं उसका नेम एड्रेस सब नोट कर लेती हूँ, उसको इम्पोर्टेंस बताती हूँ इस चीज़ की कि आपको सिर्फ बॉम्बे का ब्लड ग्रुप चढ़ सकता है और आप जो डोनेट करेंगे वो हम बॉम्बे को ही देंगे, तो वो हमारी नॉर्मली एक लिस्टिंग हो जाती है रेयर डोनर की. तो इस कारण से अब ये सोशल मीडिया के जमाने में स्लाइटली ईजियर हो गया है. ऑल्दो अगर आप लार्ज अमाउंट में कहोगे कि बॉम्बे अवेलेबल करा दो तो पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार, तो मेजर सर्जरीज में अभी भी प्रॉब्लम आती है. यूनिट्स ऑफ ब्लड चाहिए तो प्रॉब्लम हो सकती है. इसलिए मैं सबसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको ये जानकारी हो कि आपका बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, तो नियरेस्ट ब्लड बैंक में जरूर अपने आप को रजिस्टर कराएं, क्योंकि इससे दो फायदे होंगे. एक तो आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको हेल्प मिलेगी, और किसी और को जरूरत होगी तो आप किसी की हेल्प कर सकते, क्योंकि आप एक बहुत ही रेयर सबसेट में हो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के. हम इसके अलावा कोई और रेयर ब्लड ग्रुप्स होते हैं जो नहीं पता है लोगों को आमतौर पर? हाँ, और भी ब्लड ग्रुप्स होते हैं, लेकिन वो बहुत ही हाईली टेक्निकल एरिया है, तो मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहूंगी उसके बारे में. लेकिन हाँ, क्या होता है कि प्रॉब्लम तब आती है जब एक पेशेंट मल्टीपल एंटीबॉडीज बना लेता है
मतलब जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप है, हम लोग एबीओ पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं, तो वो डी आर एच डी ब्लड ग्रुप होता है। इसके अलावा 36 और ब्लड ग्रुप सिस्टम्स होते हैं, 36 से ज्यादा ही हो गए हैं। तो ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं, इनकी भी एंटीबॉडीज बन जाती हैं कई बार इनके अगेंस्ट, तब ये मल्टीपल एंटीबॉडी वाले डोनर को पेशेंट को इजिली ब्लड नहीं मिलता। और ये नॉर्मली उन्हीं पेशेंट्स में होते हैं जिनको मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन मिल चुके हों, या उन लेडीज में जिनको मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो चुकी हों, उनमें प्रॉब्लम होती है, ब्लड रेयर हो जाता है उनका ब्लड। थैंक यू मैम, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये थी दिल्ली से गौहर फारूक की रिपोर्ट न्यूज 18 के लिए।